हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे घर पे ये चहल पहल क्या चल रही है, इतनी भागदौड़ क्यों चल रही है, वो भी आपको बता दूँ। इनके फ्रेंड आया है, उनकी वाइफ है, ये इनके आर्मी के फ्रेंड है, आई थी, तो इसी वजह से वो जाते टाइम होता है ना कि कुछ ना कुछ देते हैं उनको एज अ गिफ्ट, तो वही मैं उनको साड़ी और वो ब्लाउज़ वगैरह, मतलब ब्लाउज पीस वगैरह दे रही थी, तो वही चल रहा था हमारा। और यहाँ पर वो मेरा किचन देख रहा था, एक्चुअली वो वीडियोस में देखते हैं, बोल रहे थे कि मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, बट रियल में अभी देखा तो ये सब कुछ वो देख रहे थे, घर देख रहे थे। एक्चुअली वो दीदी के रिलेटिव है यहाँ पे, तो इसी वजह से वो आए थे यहाँ पे, और उनको लगा कि चलो हमसे मिल के जाते हैं, तो इसी वजह से वो यहाँ पे आए। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा तो इनको खुशी हो रही थी क्योंकि इन्हें ये बहुत दिन हो गए भैया से मिले हुए, और अभी इतने सालों के बाद भैया यहाँ पर आए तो मिल रहे थे ये दोनों, मतलब 5-6 साल हो रहे होंगे, और इतने सालों के बाद ये अभी एक दूसरे से मिल रहे थे ना, तो इतनी खुशी हो रही थी इन दोनों को। पहले तो इन्होंने गपशप मारते हुए मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई, मतलब शूट ही नहीं कर पाई, वो इतना टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, मतलब इतने गपशप मारे, और फिर जाके थोड़ी सी क्लिप ले ली। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ, आपको भी दिखा दूँ क्या चल रहा है। और अब इसके बाद हम लोग एक्चुअली मैं रेडी हुई थी डी मार्ट जाने के लिए, हम लोग थोड़ी देर के बाद डी मार्ट निकलने ही वाले थे, तो भैया ने कॉल किया कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये गए थे वहाँ पर लेने के लिए भैया को और लेके आए घर पर। हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो आए तो, और इन्हें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इनका एक बेटा भी और एक बेटी भी है, बेटी घर पर रहती है और बेटे को आप बाद में देख ही लेना। हम लोग डीमार्ट जा रहे हैं, अब कुछ सामान भी लेना था और वैभव आया है, तो वैभव को घुमा के भी लेके आते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट, एक्चुअली पहले ही हमारा डिसाइड था कि हम लोग डीमार्ट जाएंगे, बट अभी वो आ गए हैं तो उनके साथ उनको छोड़ भी देंगे वहां तक, और उसके बाद डीमार्ट भी जाएंगे, तो फिर अभी निकलते हैं हम लोग। और उसके बाद डीमार्ट में क्या होगा, ग्रॉसरी वगैरह लेंगे, ज्यादा कुछ लेना नहीं है, तो ग्रॉसरी वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे, और जो भी होगा वहाँ पर वो आपके साथ शेयर करेंगे। उनको तो बोला था हम लोगों ने कि चलो बाहर जाते हैं हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, तो उनकी साली है यहाँ पे, तो बोल रहे हैं कि साली ने खाना वगैरह बनाया है, तो इसी वजह से फिर वो यहाँ पर खाना नहीं खा पा रहे। हमने तो सोचा था कि चलो बाहर जाएंगे, इतने दिनों के बाद मिले हैं, ये आर्मी के फ्रेंड हैं इनके, इतने दिनों के बाद मिले हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी है वो कि उनके फ्रेंड से मिले हैं वो, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उन्हें, तो इसी वजह से जो भी हो रहा है चलो अभी उनके साथ जाते हैं, वहाँ पर उनको छोड़ देते हैं। मैं आई थी मास्क के लिए, अपने मास्क माही ने ले लिया, क्या पता नहीं मेरा मोबाइल छोड़ दिया, मास्क दे दो मुझे। अरे वाह, मैचिंग मास्क है मेरे और मेरा भी ग्रीन इतना भी नहीं है लेकिन हाँ ठीक है ठीक है, चलो निकलते हैं, रुको पहनती हूँ। पहुँच गया है डीमार्ट, एक्चुअली हम लोग डीमार्ट आते आते ही रास्ते में ही हमें बारिश लग गई, और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है कि ये लोग बाइक से आ रहे थे और हम लोग दीदी मैं और सब लोग हम लोग कार से आए, तो वो लोग अटक गए बीच में। ओहो, अद्विक का मास्क रह गया, अरे गाड़ी में होगा ना कोई, बहुत ही जल्दबाजी थी, उन्हें जाना था ना, तो इसी वजह से बहुत जल्दबाजी में निकले हम लोग, और वही मास्क भूल गए अद्विक का, गया फाइनली गाड़ी में मास्क हमारे। क्या चाहिए? रुक जा, रुक जा, ले लो ले लो, जाओ जाओ ले लो, जो चाहिए वो ले लो, जाओ रुको रुको मैं लेके हाल के देती, यही चाहिए ना, लो पकड़ो। I can do it.
अरे वाह किंडर जॉय खिलौने मजाक मजाक में मैग्नेट नहीं मैं ऐसे वो जो मैग्नेट है क्या अच्छा चलो रबर का है अच्छा वो प्लास्टिक का है लेकिन किंडर जॉय नहीं है आपका वो क्या है जेम्स है ना सॉरी मुझे लगा किंडर जॉय लिया आपने चलो चलो चले गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं और अभी जाने वाला है हम लोग एक रेस्टोरेंट में एक नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाने वाला है हमें खाना है खाना घर पे जाते घर पे जाने के बाद खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि बाहर ही खाना खा लेते हैं और नॉनवेज खाते हैं आज तो इसी वजह से हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे और हाँ जो आपने लेडी देखी जिसके हाथ में क्यूट से बेबी थी वो मेरी सब्सक्राइबर है गाइज अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ना हम लोग क्या बातें कर रहे थे हम लोग मराठी में बातें कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि वो बोल रहे थे कि मैं आपके वीडियोस डेली देखती हूँ और मेरी बेटी भी मेरे साथ आपके वीडियोस देखती है वो आपको पहचानती है ये और उनसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यही तो हमारे मेहनत का फल होता है गाइज मतलब इतने सालों से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका ही फल जब हम लोग आपसे मिलते हैं आप हमसे मिलते हैं हमें कभी देखा नहीं होता है मतलब ऐसे रियल में कभी देखा नहीं होता है आप हमसे कभी मिले नहीं होते हो बट कहीं पर भी हम लोग आपसे मिलते हैं तो आप लोग तुरंत पहचान लेते हो तो यही बहुत अच्छा लगता है मुझसे ज़्यादा तो ये मेरे सब्सक्राइबर्स से मिलता है मतलब जहाँ पर भी जाओ इनको मेरे सब्सक्राइबर्स दिख ही जाते हैं मिल ही जाते हैं और ये उनसे बातें करके आ जाते हैं और फिर मुझे बताते हैं कि आपके सब्सक्राइबर मिले थे यहाँ पर मिले थे वहाँ पर मिले थे तो ऐसा नहीं कि गाइज ये आपसे मिलते हैं और घर पर नहीं बताते हैं ये मुझे आके तुरंत बताते हैं और आज भी ऐसे ही हुआ कि उनको पहले ये दिखे और उसके बाद मैं दिखी तो वो उनसे बातें करने के लिए आ गए थे तो ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी आपको मैं दिखूँ ना गाइज कहीं पर भी तो मुझसे बेझिझक बात कर लिया करो हाँ चलो 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 खाना हो गया अच्छे से सबका हाँ हमारा भी चलो अभी क्या पेट्रोल डलवाना है ना चलो फिर देखो आते ही शुरू हो गया अद्विक का कैसे है अद्विक दिखो बहुत अच्छा ये मैग्नेट है यहाँ पे जैसे ही करता हूँ मैं हाँ। ये हो जाता है क्या बोला ये तो कैसे कट भी करना है दीदी कुछ भी करना है देखो कट करने के लिए चाकू दिया है क्या हाँ। और वो मैग्नेट है क्या नहीं मैग्नेट नहीं है ऐसा है दीदी प्लीज दे दूंगी हां बनाना देख लो बनाना ये बनाना खा जा ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है आदमी बनाना ये है अनाना ज्यादा ही हो रहा है ना एक्साइटेड ये देखो चॉपिंग बोर्ड भी दिया हुआ है अरे वाह वाह कटाऊंगा 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 नहीं काटूंगा आदमी ये उल्टा क्यों लगा के रखा है अरे यार अद्विक जान दो दे दो उसको माही तरबूज मेला तरबूज मेला ए ए
गंदा है, अभी मुंह नहीं लगाना। अगर चाकू मैं काटूंगा। माही ही उसकी चीजों का हाथ ही मत लगाओ, जाने दो, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। हो गया हो गया, फाइनली घर पे पहुंच गए हम लोग, खाना पीना खा के, और बस अभी एक मूवी देखेंगे, अच्छी सी फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छी सी मूवी देखेंगे। जो सुबह एक मराठी मूवी देख रहे थे हम लोग, बट टाइम नहीं था मेरे पास, इसी वजह से देखना ही नहीं हुआ, और अभी देखने वाला है हम लोग वही मूवी। मैंने इनको आते टाइम ही बोल दिया था कि गाड़ी में ही बोल दिया था कि हम लोग वही मूवी देखेंगे, क्योंकि मेरा मन लग गया था बट मुझे काम था ना, इसी वजह से देख नहीं पाई। ऐसे ही होता है, मतलब मूवी क्या, कुछ भी नहीं देख पाती हूँ मैं, बट आज देखूंगी रिलैक्स होके अभी मूवी। और चले गाइस, इसके साथ इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, अभी मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये देखो क्या चल रहा है सामान लाना चल रहा है डिक्की से अभी इन लोगों का। तो मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, ध्यान रखना अपना। हाँ वो दिखा दिया मैंने, पहले ही दिखा दिया। बोलो, लाइक कर देना, शेयर कर देना और घंटी को तोड़ फोड़ देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। चलो कर देना, पक्का मेरी बात मानना है। अद्विक की बात मानना, हमेशा तो मेरी बात नहीं मानते, आज मान लेना है। हमेशा तो नहीं मानते मेरे, और 100 के तक पहुंचा तो बोलना। बोलो 1K नहीं, अरे बाबा 100K, अरे बाबा 100K, 100K तक पहुंचा दो। वो तब तक ग्रेप्स काटता है, आप 100K तक जल्दी से पहुंचा दो उसको। चलो अभी मूवी देखते हैं मराठी वाली। कितनी बार अजय यार, 100K तक जल्दी से पहुंचा दो हमें, हमें केक काटना है 100K का, जल्दी से, है ना। भाई को एक बार आप भी बोल दो, गाइस सब्सक्राइब करो दीदी के चैनल को, 100K जल्दी कर दो, लाइक एंड शेयर। देखो अभी सब लोग बोल रहे हैं आपको जल्दी से 100K तक पहुंचा दो यार, माही ने एक बार बोलना है। माही मैं क्या बोला, बहुत नहीं सुनते है वो, अभी इस बार सुनेंगे। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर।